हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज हम अपने नए वीडियो के साथ आए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है। आज हम लोग पढ़े हैं कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो हम लोग क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा और क्यों किया जाता है, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी कि वहाँ पे मैंने बताया है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो को जा करके देखें और वहाँ पे समझे कि पहले अकाउंटिंग होता क्या है। आप फर्स्ट वीडियो समझते आएंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे चलती हूँ। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा ट्रांजैक्शन और इवेंट का जो रिकॉर्ड रहेगा, यानी हम लोगों ने जिस चीज़ को भी अपने बिजनेस में रिकॉर्ड किया है, किसको रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होगा और दूसरा जिसको हम मॉनेटरी टर्म पे मेज़र कर सकते हैं, बस वही दो आइटम को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस चीज़ को भी रिकॉर्ड किया गया होगा, जिस भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड किया गया होगा, वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, यानी डेट वाइज होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 13 जून का रिकॉर्ड किया है तो कल हम 13 जुलाई का रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज अगर 13 जून का रिकॉर्ड हुआ है तो उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा, अगर 14 जून है, 15 जून है, 16 जून है, इस तरीके से हम लोग रिकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट यही है हमारा कि जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन या इवेंट को, वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी इम्पॉर्टेंट, क्या, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अपने बिजनेस का फिनांशियल परफॉर्मेंस देखते हैं कि हमारा बिजनेस का जो फिनांशियल परफॉर्मेंस है वो कैसा है, हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है हमें या हमें लॉस हो रहा है, इसी को कहा जाता है फिनांशियल परफॉर्मेंस। अगर हम लोग हर एक दिन अकाउंटिंग ना करें, अकाउंटिंग मतलब कि अपने रिकॉर्ड्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड ना करें, जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड ना किया जाए, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं कि हर एक दिन जितना भी ट्रांजैक्शन या इवेंट हो रहा, चाहे पैसा आया हो चाहे पैसा गया हो, सबको हम लोग रिकॉर्ड करते चले जाते हैं और लास्ट में हम ये पता करते हैं कि हमको इस बिज़नेस से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्योंकि बिना कैलकुलेट किए कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने इस समय मेरा बिज़नेस कहाँ पे पहुँचा है। हमें पता ही नहीं कि मुझे उससे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है, हमारा बिज़नेस कितना ग्रो किया है, कितना रन किया है, तो वैसा बिज़नेस चला के क्या ही फ़ायदा। तो अगर बिज़नेस चला रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़रूरी है उसका प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग अपना प्रॉफिट और लॉस को निकाल करके देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, यानी कि हम अपना फिनांशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं, यानी हमारे बिज़नेस का फिनांशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट है असर्टेन द फिनांशियल पोजिशन। अभी हम लोगों ने देखा फिनांशियल परफॉर्मेंस, यानी हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, वो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब हम लोगों को देखना कि फिनांशियल पोजिशन कैसा है, यानी हमारा बिजनेस किस पोजिशन पे खड़ा है, किस पोजिशन। दैट मीन्स हम लोग पूरा अकाउंटिंग करने के बाद लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ होती है, राइट हैंड साइड में एसेट्स होती है। वो जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी बस इतना ही समझना है कि बैलेंस शीट क्या करता है। बैलेंस शीट पूरे बिजनेस में लास्ट में हमारे पास जो बचता है, यानी अगर 1 जनवरी को हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो 31 दिसंबर को हम अपने बुक को क्लोज़ करेंगे, और जब बुक क्लोज़ करेंगे तो अपने लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास कितना लाइबिलिटीज़ है और कितना एसेट्स है, यानी कितना ऐसा लाइबिलिटी जो हम लोगों को पे करना है और कितना एसेट्स हमारे पास बिजनेस में बचा हुआ है। तो वहाँ पे जब हम लोग लाइबिलिटी और एसेट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि हमारा फिनांशियल पोजीशन कैसा है।
जब हम लोग अपना लाइबिलिटी और एसेट को पूरा कैलकुलेट कर लिए कि एक्चुअल लाइबिलिटीज़ कितना बचा है और एक्चुअल एसेट्स कितना बचा है, एसेट्स में आपके पास मशीन कितनी बची है डिप्रिसिएशन होने के बाद, कितने कैश एट बैंक है यानी बैंक में कितने पैसा जमा है, कितने कैश इन हैंड है यानी बिजनेस में कितना पैसा रखा हुआ है, कितने लाइबिलिटी यानी कितना पैसा आपको पे करना है, तो जब ये सारा चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं तो उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल पोजीशन। और ये भी फाइंड करना यानी यही असर्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे पास अभी कितना एसेट्स बचा है, कितना लाइबिलिटी बचा है, क्योंकि यही हमारे जो इस साल का एंड में जो एसेट्स और लाइबिलिटी बचेगा वही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। वहीं से फिर से हम एक बिजनेस को नए सिरे से फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर। हम लोग अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हर साल हमारे बिजनेस में कितना प्रोग्रेस हो रहा है ये देख सके। यानी अगर इस साल हमें 2 लाख की प्रॉफिट हुई है तो अगली बार हम क्या चाहें कि हमें 3 लाख की प्रॉफिट हो, 4 लाख की प्रॉफिट हो, 5 लाख की प्रॉफिट हो, तो हर साल कितना प्रोग्रेस हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि हमें इस साल 2 लाख की प्रॉफिट हुई है और अगले साल जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमें 1 लाख की प्रॉफिट होती है, तो क्या हमारा प्रोग्रेस हुआ? बिल्कुल भी नहीं। 2 लाख से हम 1 लाख पे आ गए हैं, हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो हम लोग अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं कि हम लोग अपना ईयर टू ईयर प्रोग्रेस देख सकें, यानी हमारा बिजनेस हर साल कितना आगे बढ़ रहा है या कितना पीछे हो रहा है। पीछे होना तो कोई नहीं चाहते, सब चाहते हैं कि हम लोग आगे होता चला जाए, तो अपना बिजनेस जो है वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ये देखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। प्रिवेंट एंड डिटेक्ट यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी एरर है, एरर मतलब जो भी हमसे गलती हुई है उसको पहले क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे यानी कि खोजेंगे। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ से हम लोगों को अपना गलती पता चलता है कि यहाँ पे हम लोगों ने ये गलती कर रखा है, यहाँ पे ये गलती किया है। अभी मान लीजिए कि बिजनेस चला रहे थे, कुछ ऐवी खर्च हो गया जो हम लोग के लिए नेसेसरी नहीं था, अननेसेसरी कुछ खर्च हुआ, फिर जब अकाउंटिंग करेंगे तब हमें समझ में आया कि अच्छा हमें ये खर्च नहीं करना था, अगर ये खर्च के इसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है, पहला तो ये गलती पता चला। दूसरा ये कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं कुछ ऐसा हम लोग मिस्टेक कर बैठते हैं अपने से ही, जब अकाउंटिंग करते हैं कुछ ट्रांजैक्शन का हम लोग रॉन्गली उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, उन सब चीज़ से बचाता कौन है हमें, अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग करने का एक और ऑब्जेक्टिव ये रहा कि हम अपने गलती को यानी जो हमारा एरर्स है उसको डिटेक्ट करें, यानी उसको पता लगाए और उससे बचने का यानी प्रिवेंट करने का कोशिश करें और उससे दूर रहे, तो एक ये भी ऑब्जेक्टिव हुआ। नेक्स्ट है टू नो द सॉल्वेंसी पोजिशन ऑफ द बिजनेस। हमें अपने बिजनेस का अगर सॉल्वेंसी पोजिशन जानना है तो भी हम लोगों को क्या करना होगा, अकाउंटिंग करना होगा। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस जो है वो कितना आगे अब जा सकता है और कितना आगे अब नहीं जा सकता है, ये होता है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इनसॉल्वेंट होना, इनसॉल्वेंट होना का मतलब होता है दिवालिया, यानी जब उसके पास अपने लाइबिलिटी को भरने का एक भी एसेट्स ना बचे यानी एक भी पैसा ना बचे, तो उसे कहते हैं इनसॉल्वेंसी। तो यहाँ पे सॉल्वेंसी वर्ड है, तो यानी अपने बिजनेस का पोजीशन ही हम लोग देख रहे हैं कि मेरा बिजनेस अब कितना आगे तक जा सकता है और कितना नहीं जा सकता है, तो वो देखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। और लास्ट है इवैल्यूएट एंड कंट्रोल। और हम लोग फिर इतना करने के बाद यानी अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ पता कर लिए, तो लास्ट में जब हमें अपने गलती पता चल जाएगा तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या गलती किया है, कितना गलती किया है, और फिर उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे कि ये गलती आज के बाद दोबारा ना हो, ताकि मेरा बिजनेस क्या कर सके, रन कर सके। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस में यानी अपने बुक ऑफ अकाउंट में, वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, यानी कि डेट वाइज होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। डेट वाइज को एक और कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। यानी जो हम जर्नल एंट्री अपनी करेंगे वो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि जो जर्नल एंट्री की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है, इसका मतलब है कि डेट वाइज की जाती है। तो सिर्फ जर्नल एंट्री ही नहीं, किसी भी अकाउंटिंग में कुछ भी कर रहे हो, चाहे लेज़र बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत सारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है, कुछ भी कर रहे हो, तो वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए।
दूसरा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अगर हमें अपने बिजनेस का फिनंशियल परफॉर्मेंस देखना है तो भी हम लोगों को, ये भी हमारा उद्देश्य है यानी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, कि हम अपना प्रॉफिट और लॉस को क्या कर सके, देख सके। तो अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है ताकि अपने फिनंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस हम लोग देख सके। फिर नेक्स्ट है असर्टेन द फिनंशियल पोजिशन, यानी कि अगर हम लोगों को अपने फिनंशियल पोजीशन को देखना होगा, किसका, बिजनेस का फिनंशियल पोजीशन, तो भी हम लोग को क्या करना होगा, अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग करने का एक और ऑब्जेक्टिव क्या रहा हमारा, कि हम अपने फर्म या बिजनेस का क्या देख सके, फिनंशियल पोजीशन देख सके, कि उसके पास कितना लाइबिलिटी बचा है और कितना एसेट्स बचा है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर, यानी मेरा बिजनेस जो है वो हर साल ईयर टू ईयर कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ये भी जानना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड, यानी जो हम गलती कर रहे हैं उसको पहले क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और फिर उससे बचने का कोशिश करेंगे, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, हम अपने बिजनेस में ये देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और कितने दूर तक जा सकता है और कितने दिन रन करेगा, ये पोजीशन देखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। यानी अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव ये भी रहा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का इवैल्यूएट एंड कंट्रोल, यानी जो भी गलती हमसे हो रहा है उसको क्या करिए, आप इवैल्यूएट करिए और देन उसको क्या कर दीजिए, कंट्रोल करने का कोशिश करिए ताकि वो गलती आपसे फिर से दोबारा ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग समझ में आई होगी। और अगर आप लोग अकाउंटिंग समझना चाहते हैं तो उसके प्रीवियस वाले वीडियो पे जाइए, वहाँ से अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फीचर्स वहाँ से पढ़ लीजिए और फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यहाँ से पढ़ लीजिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगी।